हम कहते हैं कि चाहे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए या प्राइवेट सेक्टर में बात की जाए, हर जगह आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स में ब्यूरोक्रेसी की झलक नजर आएगी। और ये जो लोग इसमें काम करते हैं वो हाईली डिसिप्लिन कहलाते हैं, और उन्हें एक रूल्स जो एक परफॉर्मा बता दिया जाता है कि आपका काम इस अंदाज में होना चाहिए। अब हम जो हमने चूंकि ऊपर पढ़ा था कि मैक्स वेबर बेसिकली उन्होंने ये ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम ये एक डेवलप किया था, तो जो मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है उसे वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या खसूसियात है, अब हम वो पढ़ने लगे। सबसे पहले इसमें टास्क स्पेशलाइजेशन की बात होती है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट काम होते हैं और उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी सलाहियतों के मुताबिक वो काम उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली बेनिफिट्स ओइंग टू द डिवीजन ऑफ लेबर एंड टास्क बीइंग असाइन टू एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ हु नोज व्हाट बेस्ट एंड ईच एम्प्लॉय बीइंग मेड अवेयर ऑफ व्हाट ही और शी इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को फायदा कैसे देना है कामों की तकसीम के लिहाज से, जो कि एम्प्लॉयज़ के दरमियान तकसीम कर दी जाती हैं इस पर्पस के साथ कि भाई ये काम ये बेहतर अंदाज में कर सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है हायरार्किकल अथॉरिटी। अब इसमें भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम डिवाइड कर दिया जाता है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ हायरार्किकल। हायरार्किकल मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड। हायरार्किकल पोजीशन आर अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी वेयर बॉटम रंग्स आर सुपरवाइज्ड। बॉटम रंग्स मतलब निचला वाला जो तबका है। अच्छा, बॉटम रंग्स नहीं समझ आता तो आप बॉटम लेवल का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं। लेवल्स आर सुपरवाइज बाय हायर रंग्स। रंग्स नहीं समझ आती, लेवल्स लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि नीचे वाले लेवल को कौन सुपरवाइज कर रहा है, हायर लेवल कर रहा है विद ग्रेटर पावर्स। कम्युनिकेशन डेलीगेशन का मतलब होता है आगे जो अख्तियार की मुंतकली होती है उसे हम डेलीगेशन कहते हैं। एंड सुपरविजन आर इजियर इन एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, इम्पर्सनल। अच्छा, इसमें जो आपके रिलेशन्स होंगे ना आपके बॉस के साथ वो हाईली प्रोफेशनल होंगे, इसमें जातियात का कोई अमल दखल नहीं है। द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज इज फॉर्मल एंड इम्पर्सनल। डिसीजंस टू बी मेड आर रैशनल एंड फ्री फ्रॉम ऑल इमोशनल फैकल्टीज। ठीक है, अच्छा उसके बाद है करियर ओरिएंटेशन, मतलब काम के लिहाज से आप आगे तरक्की करते जाते हैं। एम्प्लॉयज आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटीज प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज आपके तजुर्बात, जो आपकी महारत है वो एक्सपर्टीज में आती है। दिस एनेबल्स एम्प्लॉयज टू स्पेशलाइज फर्दर एंड क्लाइंब अप द लेडर इन ड्यू कोर्सेज ऑफ प्रमोशन। द सिलेक्शन टू अ वैकेंसी इज फॉर्मल। रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स, देर इज अ फ्रेम सेट ऑफ रूल्स डेट एम्प्लॉयज मस्ट अडियर टू। अडियर टू का मतलब होता है वाबस्ता रहना, मतलब ऐसे कुछ रूल्स हैं जिनके जिनको फॉलो करना जरूरी है। न्यू रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम मे बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मैनेजर्स इन हायर पोजिशंस। एडवांटेजेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, अब फायदे क्या है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, काम में एफिशेंसी आ जाती है, अच्छा बेहतर अंदाज में होता है, फिर आगे अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी, मतलब कि आपके कामों के लिए आपको जवाबदेह ठहराया जा सकता है, डिसीजन मेकिंग फैसले किए जा सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजाम संभालने में आसानियाँ आ जाती हैं। सबको यहाँ तक क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन है? डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, अच्छा सबसे पहला जो मनफी है इसमें बात है वो रेड टेप है। रेड टेप का मतलब है कि इसमें फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, कोई लचक नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब कि हर एक को कह दिया जाता है कि जैसे जो मर्जी हो जाए आपने इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो जरूर करना है। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, फिर ऊपर वाले जो आपके बॉस हैं वहाँ से काम कब तक होकर आएगा उसमें भी डिलेज एक्सपेक्टेड होती हैं। ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, करप्शन के भी मौके ज़्यादा होते हैं। चेंज ऑफ गोल्स, अब इसमें ये है कि चूंकि रूल्स एंड रेगुलेशन तो फ्रेमवर्क सेट होता है, तो अगर कोई आपके मकासद में चेंज आ जाता है तो उससे सेटअप काफ़ी मुतासर हो जाता है। फिर इसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंटलाइजेशन में होता है कि जॉब्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है और सिर्फ उस हद तक आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, आप किसी और के काम में इंटरवीन मुदाखलत नहीं कर सकते। समझ आ रही है सबको, सिर्फ इनबॉक्स के जरिए बताइएगा। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब ये होता है कि जब आप अपने लोगों को अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा फोकिया देते हैं उन्हें भर्ती करवाने के लिए, तो नेपोटिज्म भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर डिसीजन लेना बड़ा ही मुश्किल है, उसमें रिजिडिटी,
फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो ये इसके मनफी सरात थे, उसके बाद आपने इसको कंक्लूड कर देना। हाँ जी, ब्यूरोक्रेसी सबको क्लियर है? यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? क्लियर है सबको? अच्छा, उसके बाद अब हम कुछ टॉपिक्स इसमें रिवाइज कर लेते हैं। इसमें मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है कि मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है, तो सोशलाइजेशन थ्रू द लाइफ कोर्स की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने एक हैंडआउट में पढ़ चुके हैं कि सोशलाइजेशन क्या होता है। सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि एक सोसाइटी में रहते हुए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आप माशरे में अपनी जगह बना सकते हैं। तो ये देखा गया है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में आप मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजर कर आप एक मेच्योरिटी हासिल करते हैं अपने सोशलाइजेशन में। मतलब कि जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है और एक मेच्योर्ड बंदा है, उन दोनों की सोशलाइजेशन में बहुत फर्क पाया जाएगा, ठीक है? तो आज ये क्वेश्चन आप पढ़ने लगे, ये आपको आ सकता है कि आप जब अपने लाइफ कोर्स से आगे मूव ऑन करते हैं तो सोशलाइजेशन का प्रोसीजर किस तरह से डिवेलप होता रहता है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल आर टॉट टू बी प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मतलब बेहतर, कारआमद भी इसे आप कह सकते हैं। प्रोफिशिएंट मेंबर ऑफ अ सोसाइटी डिस्क्राइब्स द वेज दैट पीपल कम टू अंडरस्टैंड सोसाइटल नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या है? आपके जो रस्म रवाज हैं, एक्सपेक्टेशंस, टू एक्सेप्ट सोसाइटीज बिलीव्स एंड टू बी अवेयर ऑफ सोसाइटल वैल्यूज। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द वे पीपल कम टू बी अवेयर ऑफ देमसेल्फ। मतलब इसके जरिए आपको ये भी पता चलता है कि आपकी जिंदगी की हकीकत क्या है, आप कौन है, आप किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, एंड टू रिफ्लेक्ट ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ देयर बिहेवियर इन देयर इंट्रैक्शन विद अदर्स। फिर ये सिखाता है कि जब आप दूसरों के साथ इंट्रैक्ट करेंगे तो अपने रवैयों को आप कैसे मुनासिब बना सकते हैं। सोशलाइजेशन अकर्स एज पीपल एंगेज एंड डिसएंगेज इन अ सीरीज ऑफ रोल्स थ्रू आउट लाइफ। अब पूरी जिंदगी में आप मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं तो उसके जरिए भी सोशलाइजेशन आप सीखते हैं। ईच रोल लाइक द रोल ऑफ अ सन और डॉटर, स्टूडेंट, फ्रेंड, एम्प्लॉय एक्सेट्रा इज डिफाइंड बाय द बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ अ पर्सन हु ऑक्यूपाइज अ पर्टिकुलर पोजिशन। और जो आपके किरदार हैं उनके जरिए आपके रवैयों का पता चलता है कि उस जो आपने पोजीशन संभाली, जैसे एक माँ है, माँ का एक किरदार है तो उसका सोशलाइजेशन करने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। जी, सबको समझ आ रही है मेरी बात की? क्लियर है? चले आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन आप पिछले हैंडआउट से भी ले सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पढ़ देती हूँ। द प्रोसेस बाय विच अ ह्यूमन एट हिज इन्फेंसी, इन्फेंसी होता है बहुत छोटी उम्र, अक्रूज वाकिया होती है, क्रूज नहीं समझ आता, हैपन लिख दो, अकर भी लिख सकते हो। द हैबिट्स एंड नॉलेज फॉर अडल्ट स्टेटस एज अ ट्रेनिंग। मतलब कि अपनी बलौगत आपकी जो छोटी उम्र है वहाँ से होते हुए अडल्ट स्टेटस तक आप एक ट्रेनिंग प्रोसीजर से गुजर रहे हैं ताकि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें सोसाइटी में, ठीक है? अब स्टेप्स ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो स्टेप्स आपकी जिंदगी में कौन से आते हैं? चाइल्डहुड आता है, चाइल्डहुड अडोल्सेंस, उसके बाद थोड़ा सा जो आपका टीनएज स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका अडल्टहुड, बड़े होते हैं आप, और उसके बाद आपकी ओल्ड एज होती है। तो इन तमाम अदवार में मुख्तलिफ अंदाज में आप सोशलाइजेशन सीख रहे होते हैं, ठीक है? और उसमें फिर आपकी सोसाइटी में जो जगह होती है, जैसे आपका समाजी, आपका क्लास सिस्टम क्या है, आप किस नस्ल से बिलोंग करते हो, आपकी अखलाकियात क्या है, आपका जेंडर कौन सा है, कोई माजूरी तो नहीं है, मजहब कौन सा है आपका, ये तमाम चीज़ें आपकी फिर जिंदगी पर सोशलाइजेशन के साथ असरअंदाज करती रहती हैं, ठीक है? सबसे पहले हम चाइल्डहुड की बात करते हैं जो कि आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन एट चाइल्डहुड और प्राइमरी सोशलाइजेशन इज एन इनिशियल स्टेज इन विच इन्फेंट्स लर्न्स द एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड एक्शंस अप्रोप्रिएट टू सराउंडिंग सोसाइटी। जिंदगी में, माशरे में इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप रवैये सीख रहे हैं, अखलाकियात सीख रहे हैं, आपके एक्शंस कैसे होते हैं, तो ये इन चीज़ों पे वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो असर डालते हैं आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स डालते हैं। दीज आर द प्लेसेज वेयर दे लर्न वट इज़ रॉन्ग एंड वट इज़ राइट अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी। उसके बाद एडोलसेंस, जरा आपकी टीन एज आ गई है, इसमें आप इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, इमोशनली एक टर्मोइल पाया जाता है कि एक अफरा तफरी आपके अंदर चल रही होती है, तो इमोशनली इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई होती। ऑल्दो एडोलसेंस इज अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन बोथ सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल गोल्स। फैमिली, फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स आर, सिबलिंग्स होते हैं जो आपके बहन भाई हैं, आर द मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अ पर्सन टू प्रूव बेटर फॉर अ सोसाइटी। वी जनरली लिंक एडोलसेंस और टीनेज ईयर्स टू इमोशनल एंड सोशल टर्मोइल। सोशल
टर्मोइल का मतलब होता है कि समाजी तौर पर जो एक अफरा तफरी चल रही होती है उसे कहते हैं। व्हेन द यू ट्राई टू डेवलप देयर ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, इसमें आपकी कोशिश होती है कि आप अपनी शख्सियत को मनवाएं। उसके बाद आपकी एडल्टहुड है, एडल्टहुड विच बिगिंस बिटवीन द लेट टीन्स एंड द अर्ली थर्टीज, मतलब कि ये 30 के साल तक शुरू के अदवार होते हैं आपके। डिपेंडिंग ऑन द सोशल बैकग्राउंड इज अ टाइम फॉर अकम्पलिशमेंट, अकम्पलिशमेंट आपकी कामयाबियों को कहते हैं जो आपने हासिल कर लिया होता है। दे परसू करियर्स एंड रेस फैमिलीज, दीज यूथ एम्बार्क ऑन करियर्स एंड रेस फैमिलीज ऑफ देयर ओन। इधर फिर आपका एक तो करियर का आगाज डिवेलप हो चुका होता है, आप अपनी फैमिली को रेस करते हुए नजर आते हैं। दे रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन अचीवमेंट्स, अर्ली अडल्टहुड इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 20 to about 40 years, अब अर्ली अडल्टहुड 20 से 40 का दुरानिया होता है। And during this period, personalities are formed. They learn to manage the day-to-day responsibilities and personally. They try to make an adjustment with spouse. Spouse, जो आपका मियाँ भी हो सकता है, आपकी बीवी भी हो सकती है. And bring up their children in their own way. They often have many conflicting priorities, parents, partner, children, schooling and work. Middle adulthood. अब middle adulthood आपका 40 to 60 years होता है. During this period, the individuals assess actual achievement in view of their अर्ली एक्सपेक्टेशन। ओल्ड एज आपकी जो बहुत ज़्यादा आपकी 60 से अबव हो चुकी होती है, अब इसमें आपके तजुर्बात का जो अंदाज है बहुत मुख्तलिफ पाया जाता है, क्योंकि उस टाइम समझा जाता है कि अब आप में एक कलेक्टिव विजडम आ चुकी है, आप समझ गए होते हैं कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है, आप अर्न भी कर चुके होते हैं रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत बन चुकी होती है, ठीक है। फिर आपको जदीद जो ज़िंदगी में चल रहा है उसके बारे में भी आपको आगाही हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, साइकोटिक इम्पैक्ट ऑन सोशलाइजेशन। साइकोलॉजिकली अगर आपका जैसे कि एक मेंटल डिसऑर्डर चल रहा है, वो भी आपकी सोशलाइजेशन में बहुत खराबी करने का बाइस बनता है। उसके अलावा डिफरेंट मेंबर्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको मदद करते हैं कि आप किस तरह से सोशलाइज कर सकते हैं। उसमें आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके कोचेज हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सोशलाइजेशन के। It converts human from biological being to social being. It contributes in personality development. It helps to become disciplined. It helps to perform different roles. It establishes knowledge and skills. It contributes in the stability of social order. It transmits culture from one generation to other. It creates right aspiration in social life. ठीक है, negative drawbacks भी हो सकते हैं जो कि आपकी socialization में negative impact लेके आ सकते हैं। हाँ जी, दोनों को clear है? सिर्फ येस और नो इनबॉक्स में कीजिएगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आपको सोशलाइजेशन का? अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ब्यूरोक्रेसी पढ़ लिया है और सोशलाइजेशन थ्रू लाइफ कोर्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम अब देखते हैं, कि आपको क्वेश्चन पढ़ा दो, टाइप्स ऑफ कल्चर की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कल्चर, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं अभी कुछ सेंड भी कर दूंगी। अच्छा जी, कल्चर क्या होता है? कल्चर की जब हम बात करते हैं, इधर ले आओ जी, कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर में ना ये कलेक्टिव टर्म है जिसमें आपकी इखलाकियात, आपके रस्म व रवाज, आपकी मजहब के तकाजे, आपके क्लास सिस्टम, कलेक्टिवली क्या कहते हैं उसे? कल्चर कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको कल्चर के साथ क्या पूछा जा सकता है? कल्चर क्या होती है? कल्चर के अहम अजज़ा क्या हैं? कल्चर की इकसाम क्या है? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि टाइप्स ऑफ कल्चर क्या है। अब टाइप्स ऑफ कल्चर में दो तीन चीज़ें होगी। एक तो होगा ना कि मटीरियल कल्चर है, नज़र आ रहा है। मटीरियल क्या है? जो अपना वजूद रखता है। नॉन मटीरियल है, जो वजूद तो नहीं रखता लेकिन आप उसको महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और एक होगा आइडियल कल्चर। आइडियल कल्चर होगा जैसे मैं कहती हूँ, मैं एक अच्छी मुसलमान होने की हैसियत से जाना चाहती हूँ कि मुझे दुनिया जाने, ये आइडियल है। और आइडियल पूरा अचीव करना मुश्किल होता है, लेकिन जितना आइडियल आप उसको ओवरकम करने में कामयाब हो जाते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? रियल कल्चर। मतलब कि अगर मैं कहती हूँ कि चलो मैं सारी इतनी इबादत नहीं करती लेकिन 5 वक्त की नमाजी हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, इट मीन्स कि ये बाकी मैंने ये चीज़ अडॉप्ट कर ली है, ठीक है।
A culture has four aspects or four types: material and non-material culture, and ideal and real culture. Material culture is related to tangible objects. Tangible objects का मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है ना? सामने आप उसकी एग्जिस्टेंस महसूस नहीं, महसूस तो कर ही सकते हैं, लेकिन बाकी में वो आपको उसकी एक फिजिकल चीज आपको नजर आ रही है सामने. ऑब्जेक्ट्स मेड बाय मैन, ज्यादातर वो बंदे ही बनाएंगे. बिल्डिंग्स, फर्नीचर, बुक्स आर दी प्रोडक्ट ऑफ मटीरियल कल्चर. नॉन मटीरियल कल्चर इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जो आपकी ओपिनियन हो सकती है, आपके आइडियाज हो सकते हैं, जिसमें आपके इमोशंस हैं, आपके एटीट्यूड्स, आपके रवैये हैं, आपके आइडियाज हैं, आपके बिलीव्स हैं, विच वी फील बट कैन नॉट वेरीफाई बाई ऑब्जर्वेशन. मुशाहदे के जरिए कन्फर्म नहीं कह सकते कि ये चीज बाकी पाई जाती है, ठीक है? पीस, वॉर, कोऑपरेशन, मैरिज एंड लेक्चर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर. अब कहते हैं हमें कोऑपरेशन होनी चाहिए, ये नजर तो नहीं आ रही ना, ये तो आपका एक बिलीफ है, आप चाहते हो पीस होना चाहिए, तो ये नॉन मटीरियल की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? अब बुक इज मटीरियल कल्चर बट इट्स वर्ड्स आर नॉन मटीरियल, ठीक है? मैन इज अ मटीरियल बट हिज स्पीच इज नॉन मटीरियल. रेडियो इज मटीरियल बट इट्स साउंड इज नॉन मटीरियल. इट मीन्स मटीरियल कल्चर हैज इट्स नॉन मटीरियल एस्पेक्ट ऑल्सो. मतलब बाज़ुका दो चीजें आपको एक जगह पर नजर आएगी. आप कहते हैं इस्लाम है, आप कहते हैं खुदा है, खुदा नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन है वो भी आपके कल्चर का हिस्सा है, ठीक हो गया? तो उसके बाद आपने कल्चर में अगर टाइप्स पूछी जाती हैं, आपने रियल कल्चर डिफाइन करना है. रियल कल्चर सिर्फ मुख्तसर अंदाज में बता दूं कि रियल जो आप एक्चुअली सोसाइटी में फॉलो कर रहे होते हैं. मतलब कहते हैं ना कि इस्लाम ने ये तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं, जितना आप उसको अडॉप्ट कर पाए वो आपके रियल कल्चर का हिस्सा होगा. लेकिन अगर ओवरऑल इस्लाम कहते हैं कि मोमेंट में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, वो आपके आइडियल कल्चर का हिस्सा है, ठीक हो गया? उसके बाद मटीरियल कल्चर मैंने बता दिया कि वो होता ही नहीं, मैनमेड है, फिजिकल उसकी एग्जिस्टेंस पाई जाती है. उसके बाद नॉन मटीरियल कल्चर सिर्फ उसको महसूस किया जाता है. मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर एग्जाम्पल्स दे दें, ठीक है? ये आपने अपने अपने क्वेश्चन जैसे तैयार करेंगे उसके मुताबिक आप उसको रीड कर लीजिएगा, ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा. अच्छा, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं, इसके साथ एक और टर्म आ गई है, कल्चर डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी को पहले क्या समझो कि होता क्या है. डाइवर्सिटी का मतलब होता है मुख्तलिफ होना. अब जैसे कि समझो कि मेरे सामने चाइना का बंदा बैठा हुआ है, इधर मैं पाकिस्तानी बैठी हूँ, हम दोनों के कल्चर में डिफरेंस पाया जाएगा, ठीक है? इस टर्म को हम क्या कहेंगे, कल्चर डाइवर्सिटी. इट इज़ द क्वालिटी ऑफ डाइवर्स. ये एक ऐसी खूबी है जिसमें होता है कि मुख्तलिफ होना, और डिफरेंट कल्चर एज अपोज टू अदर कल्चर. मतलब एक कल्चर दूसरे कल्चर के अगर मुख्तलिफ पाया जाएगा तो हम उसे कल्चरल डाइवर्सिटी का नाम देंगे. द फ्रेज कल्चर डाइवर्सिटी इज ऑल्सो समटाइम्स यूज टू मीन द वराइटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज और कल्चर्स इन अ स्पेसिफिक रीजन और इन द वर्ल्ड एज अ होल, ठीक हो गया? सोशियोलॉजिस्ट डॉक्टर कैलेब ब्रुसेडो हु स्पेशलाइजेस इन डाइवर्सिटी. अब ये कैलेब ब्रुसेडो जो साहब हैं, इन्होंने डाइवर्सिटी पे स्टडी की है, स्पेशलाइजेशन की है, और मल्टीकल्चरिज्म पे स्टडी की है. मल्टीकल्चरिज्म मींस डिफरेंट कल्चर्स के बारे में इन्होंने पढ़ा है. डिस्क्राइब, अब वो वजाहत करते हैं 7 इंपॉर्टेंट एक्शंस की इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म. मल्टीकल्चरलिज्म या कल्चर डाइवर्सिटी में एक्चुअल में कौन से एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले रिकग्निशन. सबसे पहले आप इस बात को तस्लीम कर लें कि अगर दुनिया में आप रह रहे हैं तो कई किस्म के कल्चर्स पाए जाते हैं. रिकग्निशन ऑफ द अबंडेंट. अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर. एक कल्चर नहीं है, बहुत ज़्यादा कल्चर्स हैं. रिस्पेक्ट फॉर द डिफरेंसेस. अब ये जो फ़र्क पाया जाता है इसको आप रिस्पेक्ट करें. एक्नॉलेजिंग द वैलिडिटी ऑफ डिफरेंट कल्चरल एक्सप्रेशन एंड कंट्रीब्यूशन. फिर आप इस बात को तस्लीम करें कि सब ने अपनी अपनी जगह पर कल्चर में कंट्रीब्यूट किया है. मतलब अगर चाइना के लोग हैं, चाइना के लोगों ने कल्चर को डिवेलप करने के लिए बड़ा कुछ किया है. वैल्यूइंग व्हाट अदर कल्चर्स ऑफर. फिर आप इस चीज़ को इज्जत दें कि एक कल्चर आपको क्या ऑफर कर रहा है. अगर इस्लाम की बात कर रहे हैं वो आपको क्या ऑफर कर रहा है, आप उसको वैल्यू दें, ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद इनकरेज करना चाहिए कि डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप्स में कल्चर को कंट्रीब्यूट करना चाहिए. एम्पावरिंग. एम्पावर किस लिए कर रहे हैं, उभार किस लिए रहे हैं, कि आप अपने कल्चर को मजबूत बनाएं और क्रिटिकली एग्जामिन करें कि अगर किसी और ग्रुप में वो कल्चर अच्छा पाया जाता है तो वो मेरे अंदर भी होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद सेलिब्रेटिंग रादर देन जस्ट टॉलरेटिंग द डिफरेंसेस इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी.
क्लियर है आपको? तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, हमने इसमें टाइप्स ऑफ कल्चर भी देख लिया और कल्चरल डाइवर्सिटी भी देख लिया, ठीक है। आपके आने से पहले हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी हमने पढ़ लिया, सोशलाइजेशन थ्रू लाइफ कोर्स वो भी पढ़ लिया, रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, इसके बाद मैं आपको ना शेयर करूंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक दफा ना सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे कि पहले आप पढ़ चुके हैं कि एक सोसाइटी में ना एक किस्म के लोग नहीं रहते, डिफरेंट रैंक्स के लोग रहते हैं, कोई हाई होगा क्लास का, कोई लो क्लास होगा और कोई मिडिल क्लास होगा। अब ये जो आपका स्टेटस है ना, सोशल स्टेटस, ये कई वजूहात की बना पर हो रहा है। क्यों? हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा काम है जो दूसरा नहीं कर रहा, या आपके पास ताकत है, आपका कास्ट सिस्टम भी उस पर किरदार, अहम किरदार अदा कर सकता है, एजुकेशन भी आ सकती है, सोर्सेज ऑफ इनकम भी आ सकती है, प्रेस्टीज भी आ सकती है। प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है, आपका रुतबा क्या है, लोग आपको किस निगाह से देखते हैं। तकरीबन एक ही अल्फाज जरा बदले, मतलब अगर आप सोशल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लास डिफरेंस फाउंड इन सोसाइटी, बस ये बात है। अच्छा, अब फिर क्या होता है कि जब इन सोर्सेज को वो हासिल कर लेते हैं ना, तो वो उस क्लास में एंटर हो जाते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम किसका नाम देते हैं, सर्टिफिकेशन का नाम देते हैं। सबसे अब हम मीनिंग एक दफ़ा देख लेते हैं। सोशल सर्टिफिकेशन इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी तो पाई जाती है, बराबर तो नहीं हो रही इसमें बात। ऑल सोसाइटीज अरेंज देयर मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ सुपीरियरिटी, इन्फेरिटी एंड इक्वालिटी। Stratification is a process of interaction or differentiation whereby some people come to rank higher than others. ठीक है, उसके बाद आपने definition दे देनी है, ये मैं पढ़ूंगी नहीं, already पहले मैं discuss कर चुकी हूँ। उसके बाद आपने बताना है कि stratification का आगाज कैसे, पहले तो आप ये बताएंगे ना कि ये वक्त की ज़रूरत है कि हमारा समाजी निज़ाम ही ऐसा है कि social stratification होनी चाहिए। फिर माहौलियाती एतबार से आपके अंदर inherited differences भी पाए जाते हैं, ठीक है। फिर तीसरी बात ये है कि सोशल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं सोशल सर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर फतह पा लेता है, तब भी सोशल सर्टिफिकेशन होता है। फिर नेक्स्ट बात ये है कि आप में फंक्शंस के लिहाज से और पावर्स के लिहाज से कमी बेशी तो रहती है ना, मतलब मेरे पास ज़्यादा ताकत है, आपके पास नहीं है, तो ये सोशल सर्टिफिकेशन है। फिर उसके बाद आपके नस्ली जो तफरकात हैं, इख्तलाफात हैं, कि ये सैयद, चलो हम कहते हैं ये सैयद बरादरी से है, ये मलिक है, तो दोनों में बड़ा फ़र्क पाया तो जाएगा ना। ये नस्ली एतबार से कहती हूँ कि इसकी नस्ल बड़ी अच्छी है, ये निचले तबके का है बंदा, इसको इतनी फोकियत नहीं देनी चाहिए, तब भी सोशल स्टेटस आ रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन आ रहा है। क्लियर हो रहा है मैं? अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसमें टाइप्स में कास्ट भी आ जाता है, क्लास भी आ जाता है, स्टेट आपकी प्रॉपर्टी होती है, और स्लेवरी भी आ जाता है। कास्ट होता है हेरिडिटरी एंडोगैमस सोशल ग्रुप। हेरिडिटरी तो आपको पता है ना, जो वरासती दौर में आप में पाई जाती है खसूसियत। एंडोगैमस का मतलब होता है कि जब आपस में आप शादियां करते हैं ना, अपने बरादरी में करते हैं, उससे भी कास्ट सिस्टम डिवेलप होता है, ठीक है। तो आप फिर एक वो डिसीजन भी हो जाती है सोसाइटी की, आपस में शादियाँ करने से आप उस ग्रुप के मेम्बर बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कास्ट में डिक्लाइन कैसे आता है, जवाल कैसे आता है। जवाल इस तरह से आता है जैसे बुजुर्गों को आपने मानना छोड़ दिया, अपने रस्म और रवाज को कोई अहमियत नहीं दे रहा, और बाद शादियां शुरू कर दी, तो वो आपका कास्ट सिस्टम काफी मुतासर हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आप क्लास बताएंगे। क्लास भी अहम है ना, कि भाई आपका एक स्टेटस है। स्टेटस क्यों आया है? अचीवमेंट की बिना पर आपकी कुछ ऐसी एबिलिटी है जिसका फायदा उठाकर आप अब ऊपर आ गए, ठीक है। उसके बाद अब आपकी स्टेट आ रही है, मतलब कि जायदाद वगैरह है आपकी गाँव में या कहीं प्रॉपर्टी है, उससे भी सोशल सर्टिफिकेशन आ जाता है। उसके बाद गुर्बत, स्लेवरी में आ जाए, मेरा कोई गुलाम है तो सारी बात है, मैं उस पर, वो मेरे पर डिपेंडेंट है, मैं जो मर्जी उससे करवा सकती हूँ, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं सोशल सर्टिफिकेशन की। अब इसकी हम ज़रा करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सोशल सर्टिफिकेशन इज यूनिवर्सल, ये हर जगह पाया जाएगा डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कदीम ज़माने में पाया जाता है, याद भी पाया जाता है। उसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन इज सोशल, आपको पता है ना कि सोशली लिहाज से हर कोई मुख्तलिफ है, ठीक है ना।
इसलिए भी सर्टिफिकेशन होता है। एशियन कदीम ये कॉन्सेप्ट है, कदीम जमाने से चला आ रहा है सर्टिफिकेशन का। उसके बाद इट इज इन डाइवर्स फॉर्म्स। डाइवर्स का मतलब है ये एक तरीके से नहीं मिलेगा, मुख्तलिफ तरीकों से हर मजाहब में मुख्तलिफ अंदाज में मिलेगा। जैसे मैंने किधर एग्जाम्पल लिखी है कि आर्य समाज जो था ना, ये इंडियन सिविलाइजेशन थी जिसमें चार कास्ट अब भी समझी जाती हैं कि ब्राह्मण्स होते हैं, क्षत्रियाज होते हैं, वैश्याज होते हैं, शूद्रास। ब्राह्मण सबसे रॉयल कास्ट इंडिया में, ठीक है, और ये आला तबका तस्वर किया जाता है। लेकिन कभी भी ब्राह्मण शूद्रास के साथ नहीं बैठेगा। शूद्रास सबसे निचला तबका और ये ज्यादातर नौकरों की कैटेगरी में, ठीक है। सोशल सर्टिफिकेशन इज कॉन्सिक्वेंशियल, ये नतीजे तक नकर होती है कि जब आप कहते हैं ना कि मुझे जिंदगी में मौके मिले, मेरा लाइफस्टाइल इंप्रूव होना चाहिए, इस वजह से भी सोशल सर्टिफिकेशन लाजमी तौर पर नतीजतन होगा वाकई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या डिटरमिनिंग फैक्टर्स हैं सोशल सर्टिफिकेशन में, क्या चीज़ें देखी जाती हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज देखे जाएंगे, ऑक्यूपेशन, प्रेस्टीज देखा जाएगा, आपकी पावर देखी जाएगी, आपका कास्ट देखा जाएगा और आपकी एजुकेशन देखी जाएगी। पाकिस्तान में चाहे आप रूरल एरियाज की बात करें, अर्बन एरियाज की बात करें, दोनों जगह पर तीन क्लासेस आपको मिलेंगी, अपर, मिडल एंड लोअर क्लास, ठीक है। आपको ऑक्यूपेशन प्रेस्टीज क्या होता है, जो आपका रुतबा है, आपकी जो इज्जत है, क्या आपकी वजह से किसी को खतरा तो नहीं है, क्या आप में कोई बुराई तो नहीं पाई जाती, क्या आप गरीबों की मदद करते हैं, ये तमाम चीज़ें प्रेस्टीज में आती हैं। फिर आपकी पावर आ जाती है, आपकी कास्ट, आपकी एजुकेशन आ जाती है, क्लियर है। और ये जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके हैंडआउट में मेंशन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आप मैं इसको ना कंप्लीट करवा रही हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको आपको। उसके बाद ये मेरे ख्याल से नहीं करवाया, ये लास्ट टू टॉपिक्स ही रह गए हैं, और तो कोई खास चीज़ नहीं रह गई, तो पहले ये देख लेते हैं। अच्छा हाँ, वो 3 बजे आएंगे, मैंने इंग्लिश का करवाना था ना इसलिए। अच्छा जी, सोशलाइजेशन तो अभी तक हमें पता चल गया कि ये कैसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम ये सीखते हैं कि माशरे में अपनी जगह कैसे बनानी है, अच्छा शहरी कैसे साबित हो सकता है। और ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि आपका बिहेवियर किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अच्छा, अब इसमें आपको थ्योरीज फिलहाल अभी आई तो नहीं है, हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में एक पेपर में आ चुकी है, लेकिन इस दफ़ा दोनों में ये ऐड कर दी, इसलिए ज़रा ये कॉन्सेप्ट लेके जाएं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं चार्ल्स हॉटन कॉली की, हम पढ़ने लगे हैं। चार्ल्स हॉटन कॉली ने जो सोशलाइजेशन की थ्योरी दी है उसे हम लुकिंग ग्लास सेल्फ के नाम से भी कह सकते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ को मैं इस तरह से आपको समझा सकते हैं कि जैसे हम आईना देखते हैं ना, तो उसमें हमें अपनी ट्रू रिफ्लेक्शन नज़र आती है, हम कौन हैं। तो आप इस तरह से लेते हैं कि जब भी आपसे कोई मिलेगा ना, आप उसको आईना तसव्वुर करेंगे, वो जैसे आपके साथ पेश आता है, या आपको वैसे लगना लग जाता है कि वो बंदा मेरे बारे में यही सोच रहा है, इसलिए मुझे ऐसा ही होना चाहिए। मतलब वो आप उसी के मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करेंगे ना, तो हम उसे लुकिंग ग्लास सेल्फ कहते हैं। कि असल में लोग जो तसव्वुर करते हैं या ये चाहता है, मुझे वैसे ही बनना चाहिए। इस तरह से भी आप सोशलाइजेशन सीखते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, इंट्रोडक्शन। अमंग द फर्स्ट टू एडवांस दिस व्यू वाज चार्ल्स हॉटन कॉली, हु सेड दैट बाय इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल वी गेन एन इंप्रेशन ऑफ हाउ दे परसीव अस। जब हम लोगों से मिलते हैं, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा मेरे बारे में क्या राय रखता है। In effect, we see ourselves when we interact with other people as if we are looking in a mirror when we are with them. Kohli developed this famous concept of the looking glass self to summarize this process. Kohli said that we first imagine how we appear to others and then imagine how they think of us. मतलब पहले हम देखते हैं कि हम नजर कैसे आ रहे हैं दूसरों को, फिर वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, and more specifically whether they are evaluating us positively or negatively. फिर आप ये जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि उस बंदे पर मस्बत असरात हो रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी का या मनफी असरात हैं। We then use these perceptions to develop judgments and feelings about ourselves, such as pride or embarrassment. फिर आप ये सोचते हैं कि अगर वो आपकी शाबाशी देगा ना, तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अगर वो आपको डांटेगा तो आपको embarrassment फील होगी। ये रहा कॉन्सेप्ट, ये कॉली ने ये तसव्वुर किया था। एक लाइन में फिर दोबारा से रिपीट करूंगी कि जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके मुताबिक आप अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप करते हैं। आई समझ, ये ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कॉली ने दिया था।
ठीक है। अच्छा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ये दूसरे सोशियोलॉजिस्ट हैं। अब ये सेल्फ को डिफाइन करने लगे, क्योंकि सेल्फ बींग की बात हो रही है, अपना आप, तो वो सेल्फ को क्या कहते हैं, टेकिंग द रोल ऑफ द अदर, दूसरों का किरदार ले लेना। अगर आप देखते हैं कि आपके वाले साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, आप वो क्वालिटीज अपने अंदर डालने की कोशिश करते हैं, ये है सेल्फ। द प्रिमाइस जो आइडिया है, प्रिमाइस नहीं बोला जाता, आइडिया कहते हैं या कॉन्सेप्ट लिखते हैं, द कॉन्सेप्ट फॉर विच द सेल्फ इज एक्चुअलाइज थ्रू इंट्रैक्शन विद अदर्स वी बिगेन टू डिवेलप एन आइडेंटिटी अबाउट हु वी आर एज वेल एज एपथी फॉर अदर्स। मतलब हम कौन हैं और हम लोगों के लिए क्या जज्बात रखते हैं, आई समझ। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, अब ये किताब लिखी थी उसमें भी ये सेल्फ बींग को डिवेलप करते हुए नजर आते हैं। मैं सिर्फ आपको ना सिंपल बता देती हूँ, आपने उसी तरह की लाइनें लिख देनी इन्वर्टेड कॉमास में, कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करके आप ये परसीव कर लेते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे नजर आ रही है दूसरे को। ये मैं ट्रांसलेट करके आपको बता रही हूँ, तो वो आप अपनी वर्डिंग में इन्वर्टेड कॉमास में लिख दीजिएगा, एज इट इज़ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। फिर जो मैं पुरानी बात पीछे कह चुकी हूँ, वो कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ में आप दोबारा से लिख सकते हैं। फिर आप उसके कंपोनेंट्स बना दें, कंपोनेंट्स तो आसान बने हुए हैं। वी इमेजिन हाउ वी मस्ट अपीयर टू अदर्स, वी इमेजिन द जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस, वी डेवलप आवर सेल्फ थ्रू द जजमेंट ऑफ अदर्स, ठीक है। फिर अवेल्युएशन करें। अच्छा, फिर एक अवेल्युएशन हम इसमें देखते हैं कि इसका किस तरह से जायजा लिया गया है। जायजा इस तरह से लिया गया, हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं कि वो बंदा मेरे बारे में अच्छी राय रखता है, हो सकता है वो गलत साबित हो, या अगर आप सोच रहे हो कि मैं उस बंदे की नज़र में अच्छा नहीं हूँ, हो सकता है कि आप गलत सोच रहे हैं अपने बारे में, हालांकि ऐसा नहीं है। तो क्रिटिकली ये गलत, आपकी परसेप्शन, आपकी जो सोच है ना अपने वाले से, वो गलत भी हो सकती है। ये आपने एवेल्युएशन ऑफ पॉलिसी थ्योरी में लिखी अपनी वर्डिंग में, आ रही है समझ, पक्की बात है। एक्सप्लेनेशन बाय कॉली, अच्छा अब इसकी मैं आपको वजाहत करती हूँ। फर्स्ट करें एक बैंड्स परफॉर्मेंस है, मतलब के वो जो ड्रम वगैरह जो उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाते हैं म्यूजिकल, वो बजा रहे हैं, जब जैसे ही ख़त्म हुआ प्ले, आपने बहुत ज़्यादा क्लैपिंग की, वो प्रमोट होते हैं, फिर अगली दफ़ा जब वो करेंगे ना परफॉर्म, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ज़रा इसका उलट ले लें, फर्स्ट करें बैंड परफॉर्मेंस के बाद अच्छा नहीं रहा इम्पैक्ट, लोगों ने उस तरह से आपका अप्रिशिएट नहीं किया, आपका वहीं पर आपका जो इंस्पिरेशन थी वो डाउन होती हुई नजर आएगी, और अगली दफा हो सकता है इससे भी बुरा परफॉर्म करें। तो ये देखें कि लोगों की परसेप्शन, लोगों की राय आपके बारे में कितनी अहमियत रखती है, और उस वजह से आप अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव साइड पर भी लेके जा सकते हैं, नेगेटिव साइड पर भी लेके जा सकते हैं, समझ आ रही है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड, हर्बर्ट मीड की थ्योरी आई हुई है, ठीक है। ये जो एक कॉली की है और एक मीड की है सोशलाइजेशन की, ये ज़्यादा अहम है तैयारी के लिहाज से, बाकी आप छोड़ सकते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चन है ना सोशलाइजेशन का, ये सोशलाइजेशन थ्रू लाइफ कोर्स को तैयार करके जाइएगा, ठीक है। अब हम चलें मीड की तरफ आते हैं। अब इसने ये कहा है, इसमें इसने ना दो तीन कॉन्सेप्ट्स सामने लेकर आया। पहले तो इसने सोशल बिहेवियरिज्म की बात की है। सोशल बिहेवियरिज्म का मतलब ये है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं ना दूसरे बंदे से, तो उससे आपके आपका जहन डेवलप होता है, उससे भी आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है, ठीक है। ये है सोशल बिहेवियरिज्म। सोशल बिहेवियरिज्म रेफर्स टू द एमर्जेंस, एमर्जेंस का मतलब आवाज़ होना भी होता है, डिवेलप होना भी होता है, आप डिवेलपमेंट ऑफ माइंड भी लिख सकते हैं, डिवेलपमेंट ऑफ माइंड एंड सेल्फ फ्रॉम दी कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, इससे भी पर्सनैलिटी डिवेलप हो रही है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट था, ये आप कम्युनिकेशन प्रोसीजर आ गए, ठीक है। उसके बाद प्रेगमेटिज्म का एक नया लफ्ज़ है, प्रेगमेटिज्म का मतलब ये होता है कि जो कोई भी, जैसे मैं कोई आपको एक अपनी राय देती हूँ या एक नज़रिया पेश करती हूँ, वो सिर्फ आइडियाज़ की हद तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि अगर वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकता है और आपके मसले का हल निकाल सकता है, तब वो कामयाब है। आइडियाज़ की प्रैक्टिकल सोल्यूशन होना ज़रूरी है, और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, प्रैग्मैटिज्म। आई समझ मेरी बात की, प्रैग्मैटिज्म, ठीक है। हैविंग प्रैक्टिकल सोल्यूशन, क्या कहते हैं,
हैविंग प्रैक्टिकल सोल्यूशन. अच्छा, अब प्रैग्मेटिज्म के हम एसेंशियल देखते हैं. देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि जो रियलिटी होती है ना, वो आपकी फैंटेसी वर्ल्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, ठीक है, और उसको हम कबूल नहीं करना चाहते कि जिस तरह का भी सीन होता है. और फिर ऐसा भी होता है कि हम उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं ज़िंदगी में जो हमें फ़ायदा दे रही होती है, और उसी को हम ये कह देते हैं कि सबसे मुफीद है, ठीक है, क्योंकि वो आपके काम आ रही हैं. जो चीज़ आपके काम नहीं आ रही उसको आपने छोड़ देना. प्रैग्मेटिज्म में यही रूल है कि अगर ये किताब मेरे मसले का हल निकाल सकती है ना, तो ये किताब बेहतरीन है, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं. आई समझ? अच्छा, एमर्जेंस ऑफ माइंड एंड सेल्फ फ्रॉम कम्युनिकेशन प्रोसेस. अब आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी ना कि आपस की बातचीत से भी आपका जहन, आपकी पर्सनैलिटी डिवेलप होती है. उसमें सिर्फ हमने कहा था कि हम परसीव कर लेते हैं कि अगर मेरे से कोई मिल रहा है, मेरी एकदम से टेंशन शुरू हो जाएगी, वो बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है. देखिए, मैंने इसमें मुख्तलिफ बात की है कि ये कम्युनिकेशन प्रोसीजर से आपकी डिवेलपमेंट हो रही है. ठीक हो गया. मीड वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन 20th सेंचुरी सोशल फिलोसफी. वन ऑफ हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आइडियाज फॉर द एमर्जेंस ऑफ माइंड एंड सेल्फ फ्रॉम द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म डिस्कस इन द बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी. ये किताब का नाम है जिसमें उसने कम्युनिकेशन प्रोसीजर के जरिए सेल्फ बींग की डिवेलपमेंट की बात की. इतनी बात समझ आती है? अच्छा, बाकी वही है जो सारा कुछ मैंने भी आपको बताया. तो अब आपको इतनी और ये अब आपके स्टेजेस बता दिए गए हैं कि एक प्ले स्टेज भी होता है, आपका गेम स्टेज भी होता है. अच्छा, मैं ज़रा ये आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि सेल्फ बीइंग की डेवलपमेंट कैसे होती है. प्ले स्टेज में क्या होता है कि बाज़ूकात ना हम अपने बड़ों को नकल करने की कोशिश करते हैं. जैसे बच्चा है ना, कहता है टीचर टीचर खेलता है, मतलब उसको अपनी टीचर पसंद आती होगी तो वो उस तरह की क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करता है. तो सबसे पहले हमारी क्या होगी, प्ले स्टेज, मतलब दूसरों का किरदार आप उधार लेने की कोशिश कर रहे हैं. अब जैसे आपके अबू ऑफिस जाते हैं, बचपन में आप उन्हें देखते हैं तो आप कोट पैंट पहन के उस तरह ही टाई लगा के इस तरह बनने की कोशिश करते हैं. उसके बाद आपकी आती है गेम स्टेज. गेम स्टेज में जब आप थोड़े से बड़े होते हैं तो आपने जैसे क्रिकेट खेलना है, उस टाइम तो इतनी नहीं आपको आदत होती ना कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं. ठीक हो गया. ये आपकी डेवलपमेंट में सबसे अहम किरदार अदा करती है. नेचर ऑफ सेल्फ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये आप डायग्राम इसकी बना दीजिएगा. नेचर ऑफ द सेल्फ मतलब इसमें आपके डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट एटीट्यूड्स आपकी फिर पर्सनैलिटी को बिल्डअप कर देते हैं. आप क्लियर है मेरी बात? अच्छा, दोबारा से रिपीट करती हूँ कि जो आपने सोशलाइजेशन का टॉपिक तैयार करना है, उसमें आपने बताना है सोशलाइजेशन क्या होती है, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन. सोशलाइजेशन आप सीखते कैसे हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब कौन से लोग हैं, कौन से इदारे हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं सोशलाइज करने में, जिसमें आपके स्कूल, यूनिवर्सिटीज, आपकी फैमिली आ जाती है, आपकी एजुकेशन आ जाती है, मास मीडिया आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है, ठीक है, आपकी लिटरेचर बुक्स आ जाती हैं. ये हैंड आउट में मैंने लिखा हुआ, वो एक ओवरऑल क्वेश्चन है. और एक क्वेश्चन मैंने बनाया है सोशलाइजेशन थ्रू लाइफ कोर्स, जिंदगी में से गुजरते हुए सोशलाइजेशन आप कैसे सीखते हैं, ठीक है. तीसरी इसमें है कि कॉली की जो थ्योरी है सोशलाइजेशन की, कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, ग्लास लुकिंग जो है, कि लोगों को देख के आप ये परसीव करते हैं कि ये बंदा मेरे बारे में क्या राय रखता है, उसके मुताबिक आप अपनी पर्सनैलिटी को बनाने की कोशिश करते हैं. फिर मीड की डेफिनेशन हमने पढ़ी. मीड क्या कहता है कि हम जब कम्युनिकेट करते हैं ना किसी और बंदे से, उससे भी अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं. तो सोशलाइजेशन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. इससे पहले मैं रिपीट कर दूँ दोबारा से कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, चाहे दोनों यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, तो उसमें सोशलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. और सोशियोलॉजी होता क्या है, उसका नेचर स्कोप क्या है, और दूसरी साइंसेस के साथ जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ उसका क्या ताल्लुक है, उसमें पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, तो वो आपने एक जनरल क्वेश्चन तैयार करना, ठीक है. ये याद रखिएगा, मेरे ख्याल से पुराने स्टूडेंट्स ने ये बात पढ़ ली होगी. फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. प्रीवियस क्लास में मैंने एथनोसेंट्रिज्म भी पढ़ाया था. शायद एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है, कि आप अपने कल्चर को ज़्यादा बेहतर समझते हैं बनिस्बत दूसरे के. ये नोट फॉर्म में पहले पीयू में तो आता रहा, लेकिन इस दफ़ा बीजू में भी आया,
इसलिए इट मीन्स के वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है. हाँ, सोशल ग्रुप्स का क्वेश्चन. प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं आपके खानदान के मेंबर्स, सेकेंडरी ग्रुप्स में आपके बेसिकली काम करने की जगह के मेंबर्स, आपके स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के आ जाते हैं. तो सोशल ग्रुप भी इम्पोर्टेंट है. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी मैंने बोला था शायद, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है. अच्छा, आपको ये जो मैं आपको अपनी लिस्ट दिखाती हूँ जो मेरे पास हैंड आउट थे, इधर बस देखते जाएं, कॉन्सेप्ट सबके ले जाएगा. पता है क्या, मटेरियल एक जैसा लगेगा हर टॉपिक में अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ ली है ना. सोशल ग्रुप, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंटरेक्शन एंड एथनोसेंट्रिज्म पढ़ चुके हैं, सोशल मोबिलिटी भी हमने पढ़ा है, सोशल नॉर्म्स भी पढ़ चुके हैं, सोशल रोल, सोशल स्टेटस के बारे में भी हमने पढ़ा है, सोशल सर्टिफिकेशन भी पढ़ ली है, और कोहलबर्ग तो नहीं पढ़ा, हमने सोशलाइजेशन थ्रू लाइफ कोर्स पढ़ा है, सोशलाइजेशन पढ़ा है, और उसके बाद हमने पढ़ा है डेवियंस भी पढ़ा है ना. डेवियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डेवियंस का क्या मतलब होता है, कि जो आपको कहा जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, आप उसको वायलेट करना शुरू कर देते हैं. उसके हवाले से नजरियात हैं, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन कॉलियर मीट की पढ़ी है, टाइप्स ऑफ कल्चर, कल्चर उसी में आपका क्लियर हो गया है, व्हाट इज सोशियोलॉजी. ये जो अब सारे टॉपिक्स मैंने करवा दिए ना, ये इससे आराम से आपका पेपर हो जाएगा. और ब्यूरोक्रेसी भी मैंने पढ़ाया था आज, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप्स हमने कल पढ़ लिया था. ये मेल्स हैं सबके पास, आ गई थी आपके पास, आई हैं आपके भाई को, वैसे मैंने भेजी थी. अगर कोई हैंडआउट मिसिंग है आप उसमें से देख लें, वो मैं आपको दे दूंगी. अदरवाइज मेरी तरफ से ना आज सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ना वो काफ़ी है. ठीक है. हाँ जी हमजा, समझ आई है.